hello students welcome to my channel students in today's video we will learn the part 2 of current electricity in this video you will learn the you will just do the quick recap of all the topics related to the kirchhoff's laws meter bridge wheatstone bridge and potentiometer so without wasting the time let's start now, the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law basically these laws are helpful to find out the terms that is related to the current, voltage, or resistance, or many more problems which are related to the complicated circuits. Now, in the next, we just learned that Kirchhoff's laws we have two types of laws or the rules that is, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. So, in Kirchhoff's current law, वी हैव दैट द टोटल करंट और द चार्ज विच इज़ एंटरिंग ए जंक्शन और नोड सो दिस इज़ ए जंक्शन और ए नोट वेयर द करंट्स कैन कम एंड करंट कैन एक्जिट आउट कि जिस पॉइंट पर करंट आ या जा सकते हैं तो उस पॉइंट पर जो टोटल करंट होगा वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा दैट मीन्स टोटल चार्ज जो होगा उस पॉइंट पर वो ज़ीरो रहेगा सो इन दिस केस इफ वी से दैट इनके साइन कन्वेंशन अगर हमने कि जो करंट एंटर कर रहे हैं उनको पॉजिटिव और जो करंट यहाँ से लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव कंसीडर करते हैं जो करंट आ रहे हैं उसको पॉजिटिव और जो जा रहे हैं उनको नेगेटिव कंसीडर करें तो टोटल करंट जो आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो हेयर सो वी कैन से दैट इन शॉर्ट कि द टोटल इनपुट करंट जो भी करंट एंटर हो रहा है दैट इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट करंट जितना करंट वहाँ से आउट हो रहा है सो दिस इज़ अ बेसिकली के सी एल और द किर्चोज करंट फर्स्ट लॉ किर्चोज करंट लॉ नाउ द नेक्स्ट वी हैव किरचोज सेकेंड और द किर्च वोल्टेज लॉ जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में के वी एल भी कहते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो अल्जेब्रिक सम होता है ऑफ ऑल द वोल्टेजेस और यू कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज क्या होगा जितने भी रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स वहाँ लगे हुए हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है या ये कह सकते हैं जितने भी सेल उस सर्किट के अंदर लगे हैं उन सेल के ई एम एफ इन सब का अगर हम लें दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर भी हम साइन कन्वेंशन लर्न करते हैं स्टूडेंट अगर हम जा रहे हैं सेल से नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ तब हम साइन लेते हैं ई एम एफ़ का दैट वी विल कंसिडर एज पॉजिटिव कि जब आप मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव तब आप साइन कन्वेंशन ई के लिए क्या लेंगे यू विल टेक इट एज पॉजिटिव और अगर आप सेल के अंदर मूव कर रहे हैं आप ट्रेवल कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तो उस केस में सॉरी हेयर इफ़ यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये आप एरो देखें कि जहाँ पर ट्रैवल वाला पोर्शन है कि अगर हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो आप लेंगे ई e की वैल्यू नेगेटिव एंड अगर आप मूव कर रहे हैं रेजिस्टेंस में से तो, तो रेजिस्टेंस के केस में अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आप ये वाला साइन देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो है दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इफ आई से यहाँ पर हम बात करें कि करंट जा रहा है राइट से लेफ़्ट और हम ट्रेवल कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो इसलिए कर आप यहाँ पर आई आर जो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेंगे वो आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस में अगर करंट मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन हमने ली है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और हम यहाँ पर भी यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट ही तो सेम डायरेक्शन अगर करंट के साथ ही हम चलेंगे तो आपने वोल्टेज जो उसके अक्रॉस लेनी है वो नेगेटिव लेनी है तो ये स्टूडेंट्स हमें साइन कन्वेंशन याद करने होते हैं कि जब हम के वी एल लॉ जो लगाते हैं तो के वी एल लॉ लगाने पर हमें साइन कन्वेंशन जो है वो क्या कंसीडर करनी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम एक मैंने एक एग्ज़ाम्पल शो किया हुआ है जिसके अंदर हम यहाँ पर के वी एल लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सो हेयर वी हैव बाई दिस डाइग्राम यू कैन सी दैट देयर इज़ टू सेल्स आर कनेक्टेड थ्री वोल्ट एंड वन पॉइंट फाइव वोल्ट सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम के वी एल को लगाना सीखें कि किरचोस वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं तो आपने यहाँ पर क्या किया ए बी सी डी ए ये लूप ले लिया ये वाला लूप हमने कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप किर्जो लूप लॉ लगाएंगे के वी एल को हम लूप लॉ भी कहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मूव कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी आप जा रहे हो ए से बी की तरफ ए से बी की तरफ जा रहे हो तो इन दिस केस करंट की जो डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो और जो आप मूव कर रहे हो वो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने जो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लिखनी है सेम डायरेक्शन में वो यहाँ पर क्या लेनी है नेगेटिव डायरेक्शन लेनी है तो इसलिए हम यहाँ पर हम माइनस टू आई वन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट वी हैव कि अगर आप जाते हो बी से सी की तरफ बी से सी में अगर आप देखें कि हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और वहाँ पर हमारा एक सेल जो है वो कनेक्टेड है तो सेल के लिए हम क्या बेटा लेते हैं ई एम एफ लेंगे यहाँ पर ई एम एफ की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव अगर हम मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो सेल की वैल्यू हमने लेनी है दैट विल बी नेगेटिव सो नाउ इन दिस केस यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं के वी एल के साइन कन्वेंशन को अभी लर्न कर रहे हैं तो सी से डी की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में करंट की ही डायरेक्शन में तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा और अगर आप जाते हैं डी से ए की तरफ यहाँ पर आप सेल से निकल रहे हैं तो सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसलिए सेल की जो ईएमएफ का साइन आप लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो इस एग्जाम्पल से आपने ये सीख लिया कि केवीएल लॉ को हमने किसी सर्किट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ साइन कन्वेंशन के साथ ये सारा टोटल वोल्टेज जो था मतलब जो इतना जितना वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज आपका ई एम एफ सॉरी सेल के अक्रॉस या बैटरी के क्रॉस है उस उसका जो टोटल होगा वो इक्वल टू जीरो रहेगा नाउ स्टूडेंट्स We will learn about Wheatstone bridge. Basically, Wheatstone bridge is an arrangement of four resistors in the form of bridge. So you can see this diagram. Here there are four resistors that are connected in the form of bridge. So what do we do with the Wheatstone bridge? We can find out the uh, unknown resistance. So here we have two fixed resistors. P and Q. These are fixed resistors. and R is a variable resistor. And this unknown resistance. दिस फोर्थ पार्ट दिस वी कैन फाइंड आउट विद द वीड स्टोन ब्रिज सो बेसिकली हेअर वी हैव कनेक्टेड की फोर रजिस्टर्स जो हैं एक ब्रिज फॉर्म में कनेक्टेड हैं एंड बी एंड डी टर्मिनल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमने ये गलवानोमीटर कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ की और इस ब्रिज सर्किट को हमने आगे फर्दर एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ये जो हमारी ऊपर वाले रेजिस्टेंस हैं इसको हम फिक्स्ड आर्म भी कहेंगे कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमारे फिक्स्ड आर्म है अपर आर्म और लोअर आर्म भी कह सकते हैं सो नाउ द नेक्स्ट वी हैव कि प्रिंसिपल क्या होता है वीरसोन ब्रिज का वीरसोन ब्रिज के प्रिंसिपल में आप ये लर्न करते हैं कि जो अपर uh, और लोअर आर्म की जो रेशो होती है रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपर आर्म की रेजिस्टेंस की रेशो दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द दिस पी एंड क्यू इनकी जो रजिस्टेंस की रेशियो है वो किसके इक्वल होगी जो ये लोअर आर्म है दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस अगर मैं आर सपोज करती हूँ फॉर अ सर्टन टाइम और यहाँ पर इस अननो रेजिस्टेंस का लेट इट भी इक्वल टू एस है तो अगर ये पी वाई क्यू इक्वल टू आर वाई एस है तो हम कहेंगे कि इस टाइम पर गलवानो मीटर में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है या आप इसका रिवर्स ऑर्डर में भी लर्न कर सकते हैं मींस टू से कि अगर यहाँ पर गलवानो मीटर में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है इसका मतलब कैसे पता लगेगा पास नहीं कर रहा कि गलवानो मीटर में हमें डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है अगर गलवानो मीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है तो दैट मीन्स वहाँ करंट पास नहीं करेगा तो इस टाइम पर जो ये पी बाय क्यू की जो रेशो है वो आर बाई एस के क्वल होगी दैट मीन्स यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल को हम एक कंडीशन के तौर पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि वीडसोन ब्रिज जो है वो इस टाइम पर बैलेंस कंडीशन रहेगा मतलब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वीडसोन जो है वो बैलेंस्ड है अगर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है सो नाउ इन दिस केस इफ आई से अबाउट ना द नेक्स्ट जस्ट वी सी कि यहाँ पर हमने प्रूफ जो है वो एक्सप्लेन आउट किया हुआ है कि किस तरीके से कि अगर हम ये कह दें कि गलवानोमीटर में से डिफ्लैक्शन नहीं हो रही है गलवानोमीटर डिफ्लैक्शन शो नहीं कर रहा तो कैसे आप प्रूफ करोगे कि पी बाय क्यू जो है वो आर बाय एस के इक्वल है तो दिस इज़ द डेरिवेशन दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ द वीट स्टॉन ब्रिथ तो स्टूडेंट्स आज हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू का जो है वो क्विक रिकैप ले रहे हैं एंड इफ़ यू वॉन्ट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक आई कैन मेक द वीडियो फॉर दैट एंड सम ऑफ द समीडियोज दैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स आई विल मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो चाहे आप वहाँ से देख सकते हैं और जिनकी वीडियो नहीं बनी है यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स आई विल मेक द वीडियो फॉर यू नो लेट्स लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लर्न कर लेते हैं कि जब वीड्स ऑन ब्रिज जो है वो एक नल मैथड होता है बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास जो हम अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बिना किसी करंट uh, को विड्रॉ किए हुए क्योंकि यहाँ पर गलवानोमीटर हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट से हम निकालते हैं इसलिए हम वीड्स ब्रिज मेथड को नल मेथड भी कहते हैं नाउ देयर आर सम मोर पॉइंट्स हेयर वीट्स ब्रिज मेथड रिमेन्स अन इफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर तो दैट मीन्स कि आपने सोर्स का रेजिस्टेंस या गलवेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है एंड इट ऑल्सो दैट इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव ऑल द फोर आर्म्स ऑफ ब्रिज आर ऑलमोस्ट सेम कि अगर हमारे पास जो ब्रिज जो हमारे फोर आर्म्स हैं उन रजिस्टेंस जो हैं वो सारे ऑलमोस्ट सेम होंगे तो उस टाइम पर हमारा ब्रिज होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा एंड ऑल्सो पीरस ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई एंड लो रेजिस्टेंस। पर ये इसकी ड्रॉबैक ये होगी लिमिटेशन ये होगी कि इस मेथड को हम हाई और लो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने इधर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए हैं इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर कुछ हमारे वन मार्क के बेस क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं तो आप इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी अच्छे से लर्न कर लेना नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मीटर ब्रिज और द स्लाइड वायर ब्रिज इस टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मीटर ब्रिज जो है वो जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं बेसिकली दिस ब्रिज इज़ ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ वीडसोन ब्रिज ये हमारे वीरसोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है और इसका सेम प्रिंसिपल होता है जैसे कि हमारे वीडसोन ब्रिज का था तो वीडसोन ब्रिज का प्रिंसिपल तो मैंने आपको अभी रिवाइज़ भी करवा दिया कि यहाँ पर जब हमारा गलवेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा आई जी इक्वल टू जीरो रहेगा तो हमारे पास जो ब्रिज की आर्म्स की जो रेशो होती है दैट विल बी इक्वल टू दैट इज़ पी बाई क्यू इजल टू आर बाई एस अपर आर्म और लोअर आर्म के रेजिस्टेंस की रेशियो सेम रहती है नाउ द नेक्स्ट वी हैव कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहता है कि यहाँ पर हमारे पास ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं और इन कॉपर्स की स्ट्रिप्स में हमने ये दो रेजिस्टेंस जो हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं सो वी हैव आर एंड एस तो यहाँ पर इन कॉपर्स के स्ट्रिप्स में एक वन uh, मीटर की वायर जो है वो स्ट्रेच की जाती है जो कि हम यहाँ पर किस मटेरियल की लेते हैं कांस्टेंट और मैगजीन की ये अलायज़ की हम यहाँ पर लेते हैं अलायज़ की क्यों लेते हैं हम वायर क्योंकि अलायस का जो कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है दैट मीन्स टेम्परेचर के वेरी करने से रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा वेरी नहीं करता है तो कॉपर की स्ट्रिप्स के बीच में हमने इन एलॉय की वायर को स्ट्रेच कर देते हैं और ऊपर ये जो आर होता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और एस अननोन रेजिस्टेंस होता है जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर बाहर हमने एक्सटर्नल सर्किट में एक सेल और की जो है वो कनेक्ट की हुई है तो यहाँ पर बीच में एक गलवेनोमीटर हमने लगाया हुआ है क्योंकि गलवेनो का तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि हमें नल डिफ्लेक्शन मेथड्स की अप्रोच हम लेते हैं जिससे सो नेक्स्ट वी हैव दिस इज़ अ जस्ट अ प्रैक्टिकल एक लैब में आप जो उसका एग्जैक्ट व्यू देखते हो ये हमारे पास मीटर ब्रिज का एग्जैक्ट सर्किट होता है और ये एक कनेक्शंस की होते हैं जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं नाउ द नेक्स्ट वी हैव द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियल मीटर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि के को जो है वो क्लोज कर देते हैं और जिसकी वजह से इस सर्किट एक्सटर्नल सर्किट से करंट जो है वो हमारे पोटेंशियल मीटर में जाता है और एक जोकी जो है जैसे कि जोकी मैं यहाँ अपने पेन के साथ यहाँ स्क्रॉल ऐसे कर रही हूँ ऐसी जोकी को भी इस वायर के ऊपर ऐसे हम क्या करते हैं इसके ऊपर हम डिश मूव करते हैं आपने जोकी को ऐसे स्लाइड नहीं करना कि आप उसका ऐसे स्लाइड या स्क्रैप करेंगे इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने जोकी को जस्ट मूव ऑन करना है टच करना है और ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ गलवेनोमेटेड डिफ्लेक्शन शो हमें ना करे नाउ द वी हैव कि जब गलवानोमेटेड डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा मान लेते हैं कि वो कौन सी पोजीशन है वो जे पोजीशन है तो इस टाइम पर आप ये कंसीडर कर लीजिए कि ए से लेकर जे तक की लेंथ हम एल मान लेते हैं और जे से लेकर बी तक की लेंथ 100 माइनस एल हो जाएगी अब आप ये कहेंगे ये लेंथ कैसे मेजर करेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने ये मीटर स्केल के बारे में बताना हम भूल गए थे तो यहाँ पर हमने एक मीटर स्केल भी लगाया होता है जिससे हम लेंथ वायर की लेंथ मेजर कर सके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थ्योरी पार्ट भी करवा रही

इनकी वैल्यू क्यू और पी की वैल्यू पुट करके आप एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दिस इज द इंटर अनन नोन जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया और स्टूडेंट्स आप इसका फॉर्मुला याद करें एस इक्वल टू हंड्रेड माइनस एल अपॉन एल इंटू में आर एस अननोन रेजिस्टेंस होगा एल हमारी बैलेंसिंग लेंथ होगी और आर जो होगा वो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस निकाला होगा ये वो चीज़ होगी Now students let's do some important questions based on meter bridge. Now the first question is what is the material of a bridge wire? What is the criteria for the selection? As we have already discussed कि bridge wire जो है वो हम alloy की बनाते हैं, constantan या bagnet की बनाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनका जो specific resistance high हाँ होता है और low temperature coefficient of resistivity होता है temperature के बढ़ने से उनके resistance के ऊपर effect नहीं पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मीटर ब्रिज ही क्यों कहते हैं बिकॉज इसमें जो हम वायर यूज़ करते हैं वो वन मीटर लेंथ की होती है थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई इज़ इट एजेंशियर दैट ब्रिज वायर शुड भी यूनिफाम शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की uh, ऐसा नेसेसरी क्यों है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए क्योंकि हम मीटर ब्रिज के, के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कंसीडर करते हैं जो हमने डेरिवेशन की थी वहाँ पर हमने आर प्रोपोर्शनल टू एल लिया था तो इसलिए क्योंकि हम एरिया को ऑलरेडी कांस्टेंट लेके चल रहे थे दैट्स व्हाई जब हमने कहा था कि जोकी को हमने ऐसे स्क्रैप नहीं करना जोकी को इस तरीके से ऐसे मूव करना है क्योंकि अगर आप उसको स्क्रॉल या स्क्रैप करोगे तो वायर का एरिया जो है वो चेंज हो सकता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल मीटर सो पोटेंशियल मीटर what do you mean by potentiometer potentiometer is a device through which we can measure the potential difference so with the help of potentiometer what we will do we can find out the potential difference between the two points or we can find out the voltage across any load so, the question arises uh, by voltmeter, we can also measure the potential uh, difference, uh, then, why we use a potentiometer? बिकॉज इन केस ऑफ वोल्ट मीटर जब आप वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो वोल्ट मीटर की वर्किंग के लिए भी वोल्ट मीटर अपने आप को चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ करंट जो है वो यूज़ करता है जिसकी वजह से सम कन्जम्पन ऑफ करंट जो है वो वोल्ट मीटर भी ले लेता है और एग्जैक्ट करंट इसमें से पास नहीं करता जितना सोर्स हम ले रहे हैं तो एग्जैक्ट वोल्टेज हमें यहाँ पर इसके ड्रॉप नहीं मिलती है इसलिए हम पोटेंशियल मीटर का यूज़ करते हैं बिकॉज पोटेंशियल मीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन मैथड के ऊपर बेस्ड है उसकी वर्किंग देन वी हैव द कंस्ट्रक्शन पोटेंशियल मीटर में हमारे पास यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स और बीच में ये वन मीटर की वायर जो हैं वो हम स्ट्रेच करके रखते हैं और यहाँ जोकी की हेल्प से गलवेनोमीटर में हम ज़ीरो डिफ्लेक्शन जो है वो कर नोट है, करते हैं स्टूडेंट्स इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप वहाँ पर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो देख वॉच कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल मीटर कि पोटेंशियल मीटर का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि पोटेंशियल मीटर जो है इसके में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर तो वहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ दैट वायर कि जितनी ज़्यादा वायर बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस वायर के अक्रॉस कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट करंट जो है वो पास करे एक यूनिफॉर्म वायर में से नाउ देयर इज द डेरिवेशन कि हम यहाँ पर V और के एल जो डेरिवेशन हम निकालते हैं पोटेंशियल मीटर में यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमने एक पोर्शन ऑफ वायर हमने कंसीडर कर लिया इस पोटेंशियल मीटर में से कि हमने एक पोर्शन ऑफ वायर ये ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस हम R इसकी लेंथ L और एरियाक्शन ए लें और मान मानने कि वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रॉप हो रहा है इस पोर्शन के अक्रॉस तो ओम्स स्लो के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई आर एंड वी नो रेजिस्टेंस जो होता है वो उसका फॉर्मूला रो अपॉन में ई है देन यू विल गेट वी इज़ इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन नाउ हेयर करंट हमने पहले कहा है कि कॉन्सटेंट करंट पास करेगा एरिया क्रो सेक्शन और वायर भी हमने कॉन्सटेंट लिया रो रेजिस्टिविटी फॉर अ गिवन मटेरियल वो कॉन्सेंट है तो ये रेशो पूरी कॉन्स्टेंट होगी तो हमारे पास जो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया इस प्रपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके यहाँ पर हम कॉन्सटेंट लगा देते हैं के इस के को हम क्या कहते हैं दिस के इज़ नोन एज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यूज़ होता है ये यहाँ पर इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि इससे हमें ये पता लगता है कि कितनी पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो हो रही है पर यूनिट लेंथ में एंड ऑल्सो इट डिसाइड द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस तरीके से हम बताते हैं बिकॉज इन दिस केस जब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की तो उसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियोमीटर कम से कम मतलब थोड़ा सा भी हम चेंज अगर हम लेकर आते हैं उसकी बैलेंसिंग लेंथ में और वो स्मॉल चेंज लेंथ भी जो है वो उसको नोट कर लेता है और हम इस जो उसकी ऑब्जर्वेशन है मतलब जो हमारे पास रीडिंग जो है वो शो करता है तो सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियल मीटर की वो डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर कि के जो है अगर हम कम होगा देन पोटेंशियल मीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी अब के की वैल्यू डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं यहाँ पर के की वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए वी की वैल्यू डिक्रीज़ करनी होगी वी की वैल्यू हम डिक्रीज़ किस तरीके से करेंगे अगर आप जो पोटेंशियल मीटर में करंट की सप्लाई दे रहे हैं करंट जो है आप वो डिक्रीज़ कर दें मतलब रियोस्टेट स्टेट की रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करके अपने आप करंट जो है वो उसमें डिक्रीज़ हो जाएगा और वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगी और दूसरा फैक्टर क्या है कि एल के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब पोटेंशियल मीटर की वायर की जो ये जो हम लेंथ लेते हैं वो लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर दो दैट्स वाई पोटेंशियल मीटर एक लॉन्ग इट कंसिस्ट ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर Thank you, students, for watching the video. Please like, comment, and share with your friends.